जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा विस्तार से आपको सारे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन को आपको अपडेट मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, टेरिटोरियल आर्मी से ऑफिसर वैकेंसी के लिए निकला है। इसके लिए आप चाइनीज इंटरप्रेटर्स के लिए एप्लीकेशन निकला है। इसका इंटरव्यू डेट है अगस्त सितंबर 2022। इसका लास्ट डेट है 10 अगस्त 2022। इसका सारे जो एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन है, आपको jointerritorialarmy.gov.in पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको टोटल 6 सीट है। सिविलियन कैंडिडेट के लिए 5 सीट और एक सर्विस मैन के लिए 1 सीट। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट ये पर अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, इसके लिए आपको 18 से 42 तक इसका एज लिमिट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन में चाइनीज लैंग्वेज में 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपके ग्रेजुएशन है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इंटरप्रिटरशिप डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा HSK 4 लेवल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस में चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेशन टीचिंग एंड इंटरप्रिटेशन की क्षमता होना चाहिए। एक सर्विस ऑफिसर के लिए आपको चाइनीज लैंग्वेज में 2 ईयर इंटरप्रिटरशिप लैंग्वेज में क्षमता होना चाहिए। और अगर AEC ट्रेड कॉलेज एंड सेंटर विथ में आपको नॉलेज है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन चाइनीज लैंग्वेज में आपको बॉर्डर पर्सनल मीटिंग और फ्लैग मीटिंग में आपको क्षमता होना चाहिए एक सर्विस मैन के लिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको मेडिकल और फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद इसका जो लास्ट डेट है, यहाँ पर आपको बताया गया है 10 अगस्त 2022 में। और इसका इंटरव्यू आपको अगस्त सितंबर महीने में होने वाला है। यहाँ पर सारे जो एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 300 का एग्ज़ाम होगा। रिटेन लिसनिंग स्पीकिंग में आपको 300 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू में आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। हाउ टू अप्लाई, ए एप्लीकेशन फॉर्म को आपको jointerritorialarmy.gov.in से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके लिए आपको जो फीस रखा गया है वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपको टेरिटोरियल आर्मी के हिसाब से होगा। और आपको भेजना होगा ए डिफेंस ए ब्लॉक 4th फ्लोर डिफेंस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स KG मार्क न्यू दिल्ली 110001। इस एड्रेस को आपको भेजना होगा। अगर आपको फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका अलग से फॉर्म फिलअप की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके बारे में बात करें, पहले ट्रेनिंग के दौरान आपको 1 मंथ का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इफ एप्लीकेबल है तो। 2 मंथ एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर छोड़ के आपको दूसरे ईयर आपको 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप दिया जाएगा हर साल। उसके बाद जो पे स्केल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर के लिए अलग से पे स्केल रखा गया है। इसका जो फॉर्म है मैंने पहले बता दिया, वो टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पर ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा मैट्रिकुलेशन से ग्रेजुएशन तक। और सारे जो रिक्वायर्ड है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से। और आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी आपको देना पड़ेगा। डोमिसियल रेसिडेंशियल प्रूफ आपको SDO BDO से मिल जाता है। उसके बाद एज प्रूफ देना पड़ेगा, मैट्रिक और सेकेंडरी मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ के लिए इसके साथ आपको देना पड़ेगा। और आपको एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट है तो फिलअप नहीं कर सकते। जब आप फिलअप करोगे एक सर्विसमैन होना चाहिए, ये सिर्फ एक सर्विसमैन वालों कैंडिडेट के लिए। आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ। इस फॉर्म के सारे जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। उसके साथ आपको ये नोटिफिकेशन के प्रिंट करा के इस पर सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। उसके बाद इनकम टैक्स रिवेन्यू आपको देना होगा, जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इसके साथ आपको देना पड़ेगा।
और इसके साथ आपको ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करने की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।